हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस सिंडिकेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे NIH डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या है। सिर्फ इसमें दो ही खबरें तेज़ी से चल रही हैं। पहला है ट्रांसफर पटिशन, दूसरा है रिव्यू पटिशन। रिव्यू पटिशन में आपने देखा होगा 17 तारीख को इसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कथित कारणों के कारण उसकी सुनवाई टाल दी गई। कहीं ना कहीं NIH डीलेट के लिए भी ये अच्छी खबर है। और इसकी सुनवाई अब उसी समय लगी है जब ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई होने वाली है। 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होने वाली है। इसके लिए तब तक सारी विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं, जो NIH डीलेट के संघ के अध्यक्ष हैं, जैसे विश्वनाथ जी। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो विश्वनाथ जी का है। उन्होंने थोड़े ही कम बजट में सारी चीज़ें की और आप सबका सहयोग था, सबके सहयोग से उन्होंने हर चीज़ को कंप्लीट किया। चलिए हम जानते हैं विश्वनाथ जी के आगे की क्या रणनीति है, किस अनुसार वैलिड होगा NIH डीलेट। से निकला था तो रास्ते में इधर चूं की आवाज आ रही थी, इधर चूं की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ा, इधर मेंढक बोल रहा था, इधर से यार बोल रहा था। जब एकदम आगे पहुंचा तो मुझे हाथी मिल गया बड़ा सा। मैंने कहा कि जब इतना क्रॉस करके आ ही गया हूं ना, तब हाथी से भी क्या। जब साल भर परीक्षा स्कूल में पढ़ते हैं, जब लास्ट में परीक्षा देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ तो होती ही है। तो हम जिस दिन उस तकलीफ को पार कर जाएंगे, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। सोना जितना तपता है उतना ही बढ़िया आभूषण बनता है। तो संघर्ष का क्या कहना है, संघर्ष तो हमारे बीत गए, थोड़ी सी खुशी मिली है और इस खुशी को हम चाहते हैं कि बढ़िया खुशी में तब्दील कर दें। और इसके लिए मुझे पूरे देश की आवश्यकता है, मुझे नहीं, देश को भी मेरी आवश्यकता है। मैं उस भाव में नहीं कह रहा हूँ जिस भाव में आप सोचिएगा, मत खोलो। मतलब कि जब तक आपका सहयोग नहीं, तब तक विश्वनाथ नहीं। आप लोगों ने 24 घंटे में इतना कुछ कर दिखाया जो पॉसिबल नहीं था। कुछ लोग, चलिए 29 जुलाई की तारीख है, आप 29 जुलाई का वेट ना करें, 29 जुलाई का वेट ना करें। जो है, जहां है, आप अपने जॉब के लिए ईमानदारी के साथ आइए, साफ दिल से आइए। आपको कामयाबी मिलने जा रही है, बहुत जल्द मिलने जा रही है। आपने हमारी रणनीति लगभग लगभग सारे विचार देख ली होगी। टीपी आपको टीपी तो एक्सेप्ट हो गया सुनने के लिए, कोर्ट रूम में हेयरिंग के लिए, ओपन कोर्ट में हेयरिंग के लिए हो गया है। हम ठीक है, इसको सुनेंगे। अब सुनने के बाद वो मेरिट पे बहस करेंगे, वो क्या करना है वो हम बात है, उसको छोड़ जाएंगे। आपने रिव्यू का भी डेट देख लिया इसी दौरान, हालांकि वो इत्तेफाकन हुआ है, हमने उसमें कोई यूज किया नहीं है, लेकिन वो जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। भाई बात हुई है, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए और वो बहुत ही अच्छा होगा। बट यही है सर कि जरूरी है कि सभी लोग संगठित हो जाए, आसाम, बंगाल, कर्नाटक, पूरा देश एक हो जाए अपने अपने राज्य में, अपने लिए, केवल अपने लिए। मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, भरोसे मत रहिएगा। केवल अपने लिए लड़ रहा हूँ, सहयोग आप लोग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आपका एक रुपया भी आपके लिए है। वो मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला सर, बिल्कुल प्लीज वो व्यक्ति मुझे मिल गया तो मुझे लाइव लाना चाहूंगा, उसने 7 रुपया मुझे दिया था। जो कुमार प्रधान, NIH कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से हूँ। ट्रांसफर पिटीशन केस विश्वनाथ वाली टीम में मैं सहयोगी हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा ट्रांसफर पिटीशन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है। और जो हमारा मजबूत पक्ष है ट्रांसफर पिटीशन वाला, इसमें जो है सभी राज्य के लोग साथ आएंगे, हम लोग जो है सभी राज्य से बात करेंगे और बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि ये जो सुनवाई है ये जो है जुलाई में होने वाला है, जिसमें जो है अच्छे से रणनीति बना करके कैसा वकील रखना चाहिए, क्या इसका मजबूत पक्ष होना चाहिए, उस सब के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं।